इधर योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मियों को बड़ा तोहफा मिला है। सातवें वेतनमान का लाभ देने का प्रस्ताव पास किया गया, लेकिन गन्ना किसानों को मायूसी ही हाथ लगी। योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें संविदा कर्मियों के लिए सातवें वेतनमान समेत 150 आईटीआई में 10,000 वर्ग फीट में कार्यशाला निर्माण समेत मोहर लगी। इसके साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि आगामी दिनों में कैबिनेट बैठक राजधानी लखनऊ के अलावा अन्य महत्वपूर्ण शहर जैसे वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, बुंदेलखंड में भी आयोजित की जाएंगी। सरकार ने गन्ने की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया, लिहाजा अब पुराने मूल्य पर ही किसानों का भुगतान होगा। जो मूल्य गन्ना का था वही रखा गया है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया। सरकार ने गन्ना की कीमत में भले ही बढ़ोतरी नहीं की हो, लेकिन ये दावा जरूर किया कि 99% से ज्यादा गन्ना किसानों को भुगतान कर दिया गया है। जाहिर है कि किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद होता रहा है। दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने किसानों के मुद्दा जोर शोर से उठाने का इशारा दे दिया है। और अभी तक भाव भी घोषित नहीं हुआ। एक तो बात यह है कि एमएसपी पे खरीद नहीं होती, एमएसपी के नीचे भाव गिर जाते हैं फसलों के, तो सरकार को हस्तक्षेप नहीं करती। जाहिर तौर पर सरकार के फैसले के बाद गन्ने की कीमत पर सियासी कोहराम मचना तय है। इधर 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है, जिसमें लाखों छात्र छात्राएं शामिल होंगे और नकल को रोकने के लिए इस बार कई सख्त कदम उठाए गए हैं। फुल प्रूफ व्यवस्था है माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा को लेकर। यूपी बोर्ड परीक्षा की निगरानी के लिए सभी 75 जिलों के साथ ही राज्य स्तर पर लखनऊ में सभी तकनीकी सुविधाओं से युक्त कंट्रोल रूम और मॉनिटरिंग सेंटर बनाए गए हैं। कंट्रोल रूम में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। इन स्क्रीन के माध्यम से प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों पर सीधी और पैनी नजर रखी जाएगी। नकल रोकने के लिए एसटीएफ, एलआईयू और स्थानीय पुलिस को भी सक्रिय कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षा को नकल के साए से बचाने के लिए हाईटेक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। प्रदेश के 18 मंडल के हिसाब से अलग अलग कंप्यूटर डेस्क बनाई गई है। सभी जगह स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उन सीसीटीवी कैमरों का कनेक्शन यहां से सीधे कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ है। और नकल कराने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नकल में शामिल कक्ष निरीक्षकों और केंद्र व्यवस्थापकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस बार परीक्षा की कॉपियों में बार कोडिंग भी होगी। बार कोडिंग से न तो कॉपियां बदली जा सकेंगी और न ही पुरानी कॉपियों का प्रयोग किया जा सकेगा। बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थी कैसे अच्छे नंबर लाएं, इसके लिए पहली बार प्रमुख विषयों की निर्देशिका तैयार की गई है, जो कि वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहीं आज वैलेंटाइन डे के मौके पर हिंदुवादी संगठनों ने कई जगह पर विरोध प्रदर्शन किया, हालांकि इस दौरान पुलिस भी सतर्क नजर आई। मुरादाबाद में हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे का विरोध करते हुए पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर मौजूद युवक युवतियों को पकड़ लिया। इस दौरान हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता हाथों में रक्षाबंधन लेकर घूमते नजर आए और कई प्रेमी जोड़ों को पकड़कर युवती से युवक के हाथों पर राखी बंधवा दी। हम कह रहे हैं सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक स्थल पर लड़का लड़की बैठते हैं तो उनमें रिश्ता तो होना, वो रिश्ता भाई बहन का है। अगर वो पति पत्नी नहीं है तो भाई बहन का है, तो भाई बहन में राखी बांधने में क्या दिक्कत है। इस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद थी और ये पूरा तमाशा देखती रही। वहीं दूसरी तरफ बस्ती में वैलेंटाइंस डे के मौके पर पुलिस अलर्ट मोड में नजर आई और एक होटल पर छापा मारकर हर कमरे की तलाशी के साथ ही अपनी पहचान छिपाकर होटल में रुकने वालों पर नकेल कसने के लिए होटल का रजिस्टर भी चेक किया गया। कराई जा रही है और जो बीच में अवैध गतिविधि करते हुए पाए हैं उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगरा में भी हिंदुवादी संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे का विरोध किया और पुतला जलाकर वैलेंटाइन डे के खिलाफ नारेबाजी की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।